तो दोस्तों आज जो हम बताएंगे 12 वोल्ट पिक्सल झालर में एक सिंपल सा बोर्ड है और इसमें एक थ्री लाइन जो है बना हुआ है। उस थ्री लाइन को चलाने के लिए हम स्विचर सर्किट का प्रयोग करेंगे। पहले हम उसमें 5 रन सर्किट लगा के देखे तो हमें बढ़िया नहीं लगा। जब हम उसमें लाइन दे के चलाए तो वह जला तो हमको ठीक नहीं लगा, तो हमने चेंज करके उसमें स्विचर सर्किट डाल दिए हैं। तो स्विचर सर्किट लगाने के बाद दोस्तों हमें वह बहुत बढ़िया लगा। तो उसमें हम कनेक्शन किस प्रकार से किए हुए हैं हर चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें 2 सर्किट लगाए हैं, 5 रन सर्किट और स्विचर सर्किट। इसमें 2 सर्किट का हम प्रयोग किए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन सा वह 3 लाइन है जिसमें हम स्विचर सर्किट जो है लगाए हुए हैं और किसमें हम 5 रन सर्किट लगाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आप सब लोगों को पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम SMD बोर्ड में आप लोगों को सर्किट बैठाने के लिए और उसका कनेक्शन करने के लिए बताएंगे कि कनेक्शन सर्किट का किस प्रकार से करेंगे। आप देख सकते हैं यह जो झरने का सीन है, तो इसमें हम किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे कि यह झरने जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो इसका भी हम कनेक्शन आप लोगों को बताएंगे। और दोस्तों यह जो आप 3 लाइन देख रहे हैं, 1, 2, 3, इसे किस प्रकार से चलाना है ताकि देखने में अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो उसका भी कनेक्शन हम आप लोगों को बताएंगे। और ये तो दोस्तों आप लोगों को ये जलता हुआ ही रहे, फिक्स रहेगा। और वो झरना और ये 3 लाइन और बोर्ड के किनारे का लाइन जो है रनिंग में रहेगा, तो किस प्रकार ये रनिंग में चलेगा, देखने में किस प्रकार से बढ़िया लगेगा, तो उस प्रकार से हम इसमें कनेक्शन करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आवे कि हाँ बहुत बढ़िया कनेक्शन हुआ है। तो दोस्तों इस झरने को कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे कि इसका झरना जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरे इस साइड में, तो चलिए हम आप लोगों को इसका कनेक्शन करने के लिए बताते हैं। तो इसका कनेक्शन हम आप लोगों को एक एक पॉइंट बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें सर्किट लगाएंगे और किस प्रकार से सर्किट जो है सेट करेंगे ताकि मेरा यह 3 लाइन जो है सही से चले। और इसमें कौन सा सर्किट यूज करेंगे वह भी हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस जगह हम 5 रन सर्किट लगाए हुए हैं जो कि रनिंग सर्किट है। आप तो इसे जानते ही हैं कि यह 5 रन सर्किट है। और इस जगह हम एक 3 एक्शन स्विचर सर्किट लगाए हुए हैं वही 3 लाइन को चलाने के लिए। तो दोस्तों इस 3 लाइन में जब हम 5 रन से कनेक्शन किए थे तो हमको यह 3 लाइन जो चल रहा था तो बढ़िया नहीं लगा, तो हम इसमें चेंज करके स्विचर सर्किट लगा दिए हैं। तो स्विचर सर्किट में दोस्तों यह जब हम इसमें लाइट देके देखते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है देखने में। तो दोस्तों इसका कनेक्शन हम आप लोगों को बताते हैं। स्विचर सर्किट का कनेक्शन आप देख लीजिए, इसमें से हम 3 वायर निकाले हुए हैं और 2 वायर मैन है। मैन वायर में कनेक्शन कर चुके हैं। और इस जगह हम आप देख सकते हैं यह पहला वायर है मेरा, तो पहला लाइन में इसको जोड़ दिए हैं। और यह दूसरा लाइन है तो दूसरा लाइन में जोड़ दिए हैं। और यह तीसरा लाइन है तो तीसरा लाइन में जोड़ दिए हैं। 3 चैनल का है तो 1, 2, 3 करके हम इसमें कनेक्शन कर दिए हैं। तो यह पूरा लाइन इस पार से उस पार एक ही सर्किट से चलेगा। तो इसका कनेक्शन हम आप लोगों को बताएं। अब चलिए दोस्तों ये बोर्ड का किनारे का रनिंग जो है हम इस जगह से 5 रन से 3 वायर इस तरफ लाके इस जगह हम कनेक्शन किए हुए हैं। सबका प्लस दोस्तों कॉमन है, सबका प्लस जो है कॉमन होता है। तो अब दोस्तों इस झरने की बात रहा, तो झरना जो है जब इस झरने में जब हम वायर लगाए तो ऊपर की तरफ से लगाए, जो कि जैसे बोर्ड खड़ा कीजिएगा
तो नीचे की साइड वो रहेगा और ऊपर की साइड ये रहेगा। अगर हम इसमें दोस्तों इस जगह कनेक्शन करते तो यह जो है झरना ऊपर की तरफ चलता, और जब हम ऊपर की तरफ कनेक्शन किए हुए हैं, दोनों झरना आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ कनेक्शन किया हुआ है, तो ऊपर की तरफ जो कनेक्शन किए हुए हैं तो यह नीचे की तरफ झरना चलेगा। तो दोस्तों इसमें हम फाइव रन सर्किट लगाए हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ झरना को चलाने के लिए दोस्तों आप ऊपर की तरफ कनेक्शन करिएगा, तभी आपका झरना नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप इसमें नीचे की तरफ कनेक्शन करते हैं तो आपकी झरना ऊपर की तरफ चलेगा। तो दोस्तों तो मेरा कनेक्शन जो है पूरा हो चुका है, और हम इसमें फ्लेक्सिबल वायर भी लगाए हुए हैं ताकि मेरा बोर्ड का जो है वोल्टेज ड्रॉप ना मारे, हर जगह एक जैसा वोल्टेज बना रहे, इसीलिए हम हर बोर्ड में जो है फ्लेक्सिबल वायर लगाते हैं। तो चलिए अब इसमें हम आप लोगों को लाइट देके भी दिखाते हैं कि इसमें लाइट देने के बाद जो है मेरा यह थ्री लाइन जो है किस प्रकार से चलता है, और यह झरने का लाइन जो है किस प्रकार से चलता है, मेरा स्विचर सर्किट अच्छा काम करता है या नहीं। तो चलिए इसमें हम आप लोगों को अब लाइट देके दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लाइट दे चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरा जो थ्री लाइन में हम स्विचर सर्किट लगाए थे उसका एक्शन आप दोस्तों देखिए कि किस तरह से चल रहा है। जब हम इसे फाइव रन सर्किट में लगाए थे तो यह सही से नहीं चल रहा था, हमको देखने में अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हमने चेंज करके इसमें स्विचर सर्किट लगा दिए। आप देख सकते हैं जो झरना जो हम ऊपर से कनेक्शन किए हुए हैं तो वह झरना चल के नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों बोर्ड के जो है किनारे का भी रनिंग सही से चल रहा, आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हम एक स्विचर सर्किट और फाइव रन सर्किट दोनों यूज किए हुए हैं। तो स्विचर सर्किट से दोस्तों मेरा सिर्फ यह थ्री लाइन ही जो अप डाउन हो रहा है उसमें हम कनेक्शन किए हुए हैं ताकि देखने में बढ़िया लगे। तो दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आप सब लोगों को पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।